कांचीराम, फिर मायावती और अब आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी की बागडोर संभालने के लिए तैयार है। बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को इसका ऐलान करते इस बात पर मोहर लगा दी कि आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। आकाश बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे। लोकसभा चुनाव से 2024 से पहले इस बात की घोषणा के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में लाने के लिए मायावती के दांव को अहम माना जा रहा है। साथ ही युवा नेतृत्व को पार्टी स्वीकार करे, ये भी मायावती की रणनीति है। मायावती के अपने परिवार में भाई आनंद कुमार से हमेशा अच्छे रिश्ते रहे। आकाश आनंद उनके ही बेटे जो 28 साल के हैं। उनकी शुरुआती शिक्षा नोएडा में हुई और फिर वो लंदन MBA की पढ़ाई करने चले गए। इस साल मार्च में मायावती ने उनकी शादी बहुत धूमधाम से की। पार्टी के ही वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा उनकी पत्नी। आकाश पहली बार 2017 में सार्वजनिक मंचों पर नजर आए। उनको मायावती के साथ सहारनपुर में एक सभा के दौरान देखा गया था। इसके बाद मायावती ने लखनऊ में एक मीटिंग के दौरान उनका परिचय कराया। इसके बाद से आकाश आनंद का कद पार्टी में धीरे धीरे और बढ़ता गया। उनको 2020 में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया। आकाश को 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए युवाओं को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई। वो विभिन्न राज्यों में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हाल ही में हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जिम्मा मायावती ने आकाश आनंद को ही सौंपा था। उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई सभाएं और पदयात्राएं की। वहां का चुनाव खत्म होते ही वो एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुट गए। आकाश विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। आकाश के इस बढ़ते कद को लेकर पहले से ही चर्चाएं तेज हो गई थी कि जल्द ही उनको पार्टी में उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में उनको मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मायावती आकाश को जिस तरह पार्टी में लाई और उनको आगे बढ़ा रही, इसकी चर्चा पहले से ही थी कि वो उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन मायावती ने यही वक्त क्यों चुना इसको लेकर कई चर्चाएं चल रही। बहन जी ने कहा मेरे ना रहने के बाद ये पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे। कहीं पे उनको तैयारियों के लिए लगाया गया? तैयारियों के लिए जो राज्य कमजोर है वहाँ माननीय आकाश आनंद जी काम करेंगे, उत्तराखंड में नहीं। इस बारे में जानकारों का कहना है कि उनको उत्तराधिकारी घोषित करना ही था, इसीलिए पहले राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और फिर 4 राज्यों का जिम्मा सौंपा। देश भर में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी आकाश पर है। अब लोकसभा चुनाव से पहले सभी राज्यों को यहां बुलाकर उनके बीच उत्तराधिकारी घोषित किया है। इससे देश भर में संदेश जाएगा कि अब सबको आकाश की अगुवाई में ठीक से काम करना है और लोकसभा चुनाव के लिए बेहतर काम हो सकेगा। मायावती के इस संदेश से आकाश के लिए लोकसभा चुनाव में काम करना सहज होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।